मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर है और मंत्रिमंडल को लेकर क्या बड़ी खबर है, इसके अलावा कभी भी गिर सकती है सरकार, इसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता ने यहां पर बयान दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी खेमे में आते ही यहां पर कमलनाथ सरकार गिर गई, लेकिन कमलनाथ सरकार के बड़े नेताओं का इस वक्त एक बड़ा दावा किया है कि बहुत जल्द यहां पर शिवराज सरकार गिर जाएगी। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं उसके बाद क्या कुछ होगा, लेकिन चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह, तो क्या शिवराज सिंह काल पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर यह बड़ी खबर है, मंत्रिमंडल में जो 5 यहां पर मंत्रियों ने शपथ ली है, इसके बाद क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। इसी बीच यहां पर कमलनाथ का ट्वीट 15 अगस्त को, तो यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण कमलनाथ ही करेंगे, ट्वीट को संभाल कर रखना, यहां पर बड़ी खबर है। इसके अलावा यहां पर जीतू पटवारी ने भी साफ तौर पर साफ संकेत दिए हैं कि जल्द यानी उपचुनाव के पहले या उपचुनाव में कांग्रेस सरकार यानी कमलनाथ सरकार की वापसी हो सकती है, ऐसी खबर यहां पर निकल कर सामने आ रही है। और जिस प्रकार का मंत्रिमंडल यहां पर गठन हुआ है, बीजेपी ने केवल 5 ही मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं मंत्री को, उसको लेकर जीतू पटवारी ने भी यहां पर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जल्द यहां पर जो 24 सीटें खाली है मध्य प्रदेश में, 22 से यहां पर कांग्रेस 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद और 2 सीटें पहले से खाली हैं, 24 सीटों पर यहां पर जून में जो है उपचुनाव हो सकते हैं, तो बहुत जल्द यानी कुछ ही महीने यहां पर शेष है, इसके बाद यहां पर कमलनाथ सरकार की वापसी हो सकती है, ऐसे कांग्रेस का यहां पर दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर काफी खींचतान जारी है और अब सिंधिया खेमे से 10 मंत्री चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिलहाल यहां पर सिंधिया खेमे से केवल 2 ही मंत्री को यहां पर शपथ दिलाई गई है और 3 मंत्री यहां पर बीजेपी खेमे से रखे गए हैं। अब क्या कुछ होगा इसको लेकर बड़ी खबर है। अगर बात करें तो राजवर्धन दंतीगांव का नाम मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसके अलावा आदिवासी चेहरा बसंतुलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग, एदल सिंह कसाना, इसके अलावा पुराने जो मंत्री जो कांग्रेस है यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल थे, जो कि यहाँ पर उन्होंने अपना यहाँ पर इस्तीफा दिया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर अपने 10 नेताओं को मंत्री पद चाहते हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं इनको लेकर अब खींचतान जारी है। और बीजेपी में भी कई ऐसे विधायक जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ वो जा सकते हैं। इसके अलावा कई बड़े नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, जिनमें गोपाल भार्गव और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह का नाम भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में अब तक शामिल नहीं किया गया है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाए तो उनको अब यहाँ पर मंत्री में शामिल किया गया है। लेकिन क्या कुछ होगा इसको लेकर बड़ी खबर है। अब जो बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल में कई बड़े चेहरे बीजेपी के शामिल नहीं हो पाएंगे और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से आए बागी विधायक हैं और 10 अगर मंत्रिमंडल यहां पर सिंधिया खेमे को दिए जाते हैं, इसके बाद बीजेपी में काफी हड़कंप भी देखने को मिल सकता है और जिसका खामियाजा यहां पर शिवराज सरकार को भुगतना पड़ सकता है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का दावा है। क्योंकि जिस प्रकार की रणनीति यहां पर बीजेपी की तरफ से की गई थी, ऐसे ही रणनीति की तैयारी अब कांग्रेस सरकार कर रही है, उपचुनाव के पहले इस प्रकार की रणनीति वो करने की फिराक में है। इसके अलावा उपचुनाव की तैयारी भी दोनों ही पार्टियां शुरू कर चुके हैं। वही बात की तो उपचुनाव में भी यहां पर सरकार बदलने के भी यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस यहां पर 24 में से 22 सीट हासिल कर लेता है तो फिर कांग्रेस की अपने दम पर वापसी हो सकती है। इसके अलावा अगर यहां पर शिवराज सरकार में कुछ सीटें अगर यहां पर कमलनाथ सरकार ले जाते हैं तो फिर कुछ ऐसे विधायक हैं जो कि मंत्री पद चाहते हैं और उन्हें अगर मंत्रिमंडल नहीं मिलता है तो फिर वो कांग्रेस में जा सकते हैं। और कांग्रेस जो इस प्रकार से बीजेपी पलटवार हुआ है, उस प्रकार से कांग्रेस भी पलटवार कर सकती है, इस प्रकार की खबर यहां पर निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर थी। मध्य प्रदेश के लिए जीतू पटवारी और अन्य कांग्रेस यहां पर नेता यहां पर दावा कर रहे हैं कि जल्द जल्द यहां पर कमलनाथ सरकार की वापसी होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सरकार उपचुनाव में जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, या फिर कमलनाथ सरकार की वापसी होगी उपचुनाव में, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।